पॉइंट्स जो आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में याद रखना चाहिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो आपको याद रखना चाहिए, न्यूमेरिकली आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि जो हमारा पोजीशन है मैक्सिमा का, दैट विल फॉलोस n लैम्डा डिवाइड, करेक्ट ना? और जो हमारा पोजीशन आता है मिनिमा का वो होता है 2n प्लस 1 लैम्डा डिवाइड, ठीक है? इन दोनों को जब आप यूज करें तो आपके n का वैल्यू 0 1 2 3 ये सब चलते रहेगा इंटीजर। थोड़ा सा और आगे इसमें हम बार-बार आपको एक चीज बताने का कोशिश करते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनता है, कहां बनता है सेंट्रल मैक्सिमा? क्या बोले? जहां पाथ डिफरेंस 0। अब ये जो भी पॉइंट होगा जहां पाथ डिफरेंस 0 होगा वहां सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मेशन होता है, इसको आप जानते हैं। थर्ड है हम लोगों के पास कि फ्रिंज विड्थ, चाहे आप मैक्सिमा का बात करें या फिर आप मिनिमा का बात करें, ये दोनों फ्रिंज विड्थ एक ही होता है लैम्डा डिवाइड, लैम्डा डिवाइड, ठीक है? जो तुमको ये दिखाया गया था कि ये वेवलेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपिटल डी के साथ प्रोपोर्शनल, स्मॉल डी के साथ इनवर्स, उस पे काम हो चुका है, लास्ट टाइम कर चुके। इसके बाद हम लोग देखे थे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपके पास था आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट अंडर आई वन आई टू कॉस फाई, ये उस समय काम करता है जब दोनों स्लिट से निकलने वाले वेव्स का इंटेंसिटी डिफरेंट हो। अगर दोनों स्लिट से निकलने वाले वेव का इंटेंसिटी अलग अलग है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। लेकिन अगर दोनों वेव्स का इंटेंसिटी अगर सेम है तो आप इसके जगह पे इसी को सॉल्व करके एक फॉर्मूला निकाल दिया गया था 4i0 cos स्क्वायर पाई बाय 2 आप यूज करते हैं, करेक्ट ना? इसमें जो पाई स्टैंड करता है वो होता है फेज का डिफरेंस। पाई क्या है भाई? तो फेज का डिफरेंस। अगला पॉइंट पाई या फेज का डिफरेंस जो रिलेटेड होता है 2π / लैम्डा * पाथ डिफरेंस के साथ, 2π / लैम्डा * पाथ डिफरेंस के साथ मेरा ये फेज डिफरेंस रिलेटेड, इसी तरह टाइम डिफरेंस के साथ भी रिलेटेड। ऑलमोस्ट यहां तक लगभग आप पढ़े। अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें अगर एक साथ दो अलग अलग वेवलेंथ यूज हुआ तो दोनों वेवलेंथ अपने अपने हिसाब से मैक्सिमा बनाएगा। मान लो जैसे एक वेवलेंथ लैम्डा वन है जो 4-4 सेंटीमीटर पे मैक्सिमा बनाता है, ध्यान से सुन लो, और दूसरा वेवलेंथ लैम्डा टू है जो 3-3 सेंटीमीटर पे मैक्सिमा बनाता है, तो बताओ स्लिट के स्क्रीन के सेंटर पे क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा, क्योंकि दोनों का पाथ डिफरेंस 0 होगा। लैम्डा 1 के लिए भी पाथ डिफरेंस दोनों स्लिट से 0 होगा, लैम्डा 2 के लिए भी, दोनों मैक्सिमा बनेगा। लेकिन सेंटर पे मैक्सिमा बनने के बाद 4-4 सेंटीमीटर पे लैम्डा 1 का मैक्सिमा बनेगा, लेकिन 3-3 सेंटीमीटर पे लैम्डा 2 का मैक्सिमा बनेगा। तो थोड़ा सोचो तो लैम्डा 1 का कितने नंबर का मैक्सिमा लैम्डा 2 के कितने नंबर के मैक्सिमा के साथ कॉइंसाइड कर जाएगा? 12 सेंटीमीटर पे जो दोनों आएगा, तो 4-4 सेंटीमीटर पे जो बन रहा था उसका थर्ड और 3-3 सेंटीमीटर पे जो बन रहा था उसका फोर्थ कॉइंसाइड कर जाएगा। यही चीज आपको सिखाना चाहिए कि अगर हमारे पास इफ टू वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 यूज्ड देन n1 मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 कॉइंसाइड विद n2 मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n1 मैक्सिमा के पोजीशन के लिए लैम्डा 1 / d और फिर n2 लैम्डा 2 / d, ये लाइन समझे क्या? यहां से n1 मैक्सिमा और यहां से n2 मैक्सिमा दोनों कॉइंसाइड करेगा तो दोनों का y तो सेम रहेगा ना, जैसे अभी आप बोले ना 12 सेंटीमीटर, तो दोनों का y तो सेम। तो ये जो हम लोगों का कैपिटल d है वो भी कैंसिल, स्मॉल d भी कैंसिल, तो आप बोल सकते हो n1 लैम्डा 1 इज n2 लैम्डा 2। जैसे अभी आपको जो सिचुएशन हम आपसे बात कर रहे थे उसके हिसाब से थर्ड मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 कॉइंसाइड विद
फोर्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2। एक इंटरेस्टिंग बात होगा, जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा उसका नंबर कम आएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, और जिसका वेवलेंथ छोटा होगा उसका नंबर ज्यादा आएगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो नंबर है वो अपने ही क्रॉसपॉन्डिंग वेवलेंथ के साथ इनवर्सली है, समझ में आ रहा? जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका नंबर कम आएगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका नंबर ज्यादा आएगा। आप जब बुक सॉल्व करेंगे उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दो लाइट यूज किया गया, सुन के बताना, ज्यादा बनाना नहीं पड़ेगा, ये सब लाइट याद रहेगा ना। तुमको एक क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ जाएगा अगर तुमको मेरा पॉइंट्स है। पॉइंट्स अब भूलिएगा तो फिर बनना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी ध्यान, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग दो लाइट यूज किए, एक है 4000 टंगस्टम का और एक है 7000 टंगस्टम का, दोनों को एक साथ यूज किए। अगर आपको स्क्रीन पर पूछा जाए कि किसका कितने ऑर्डर का मैक्सिमा, किसके कितने ऑर्डर के मैक्सिमा के साथ कॉन्साइड करेगा ऑर्डर, तो 4000 टंगस्टम का 7 और 7000 टंगस्टम का 4th कॉन्साइड करेगा, ठीक है? तो 7000 टंगस्टम का 4th मैक्सिमा और 4000 टंगस्टम का 7th मैक्सिमा कॉन्साइड करेगा। अच्छा, पहला कॉन्साइडिंग हो गया, दूसरी बार कौन कौन कॉन्साइड करेगा? 7000 टंगस्टम का 8th मैक्सिमा 4 × 8 और 4000 का 14 7 7 14 विल कॉन्साइड, क्लियर? तो ऐसी चीजें हैं ना आपके सामने क्राफ्ट, समझ गए? तो उसके लिए आपको इस कॉन्सेप्ट से चलना। अगर वो बोल दिया कि मिनिमा कॉन्साइड करना है तो मिनिमा का फॉर्मूला लिख दो, मैक्सिमा कॉन्साइड किया मैक्सिमा लिख दिया, मिनिमा कॉन्साइड मिनिमा लिख, ठीक है? उस हिसाब से सोचो। तो यहां पे ये था तुम्हारे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आप यहां देखो, जो यहां देखिएगा आगे बहुत लंबा चौड़ा उस पर डिस्कशन। जब आप ऑप्टिक्स में पाथ बोलते हैं तो पाथ दो तरह का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल पाथ और एक होता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। एक है ज्योमेट्रिकल पाथ और एक होता है ऑप्टिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ का मतलब क्या है जरा देखना, ध्यान से समझना। हाँ, अच्छा इन लोग के पास भी ऑप्शन होगा ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन लोग जाके स्कूल जाने ऑलवेज गुड, इतना दिन से गए नहीं। मान लो हम लोग के पास एक मीडियम है जहाँ बीच में एयर है, हाँ एयर है, ये लाइट इसको पास कर रहा है, ठीक है? पास भी, थोड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ से, ये बहुत कुछ नहीं हुआ, तब आप पहले से पढ़े थे, ये छोटा सा चीज बताया अभी, ये मेन चीज यहाँ से डिस्कस। मान लीजिए अंदर में एयर, लाइट को आप पास करने का मौका है, तो जितना आपको लेंथ दिख रहा है लाइट उतना ही ट्रेवल भी कर रहा है, मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से टी लेंथ है, ऑप्टिकली भी टी लेंथ है, ठीक है? अभी अगर हम बात करेंगे इस फिगर के हिसाब से, तो ज्योमेट्रिकल पाथ टी है और फिर ऑप्टिकल पाथ का भी लेंथ टी है। बट अगर आप इसके जगह पे किसी ग्लास को रख देते, मतलब कोई एक मीडियम होता जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू होता और थिकनेस टी होता और लाइट को आप पास होने देते, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ अभी भी टी है। ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ मतलब जो आपको दिखता है वो अभी भी टी है, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ जो आपको दिख रहा है वो टी, लेकिन ऑप्टिकल पाथ जो लाइट वहां चल रहा है वो एक्चुअली
जो भी मीडियम है उसका म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ होता है, मतलब म्यू टी। सर इसको हम लोग और कैसे समझे, आप ऐसे समझे ना कि आप जैसे इस फर्श पे चलते हैं, आप वहां से यहाँ आते हैं, सपोज आप ना 20 मीटर चलते हैं, 20 मीटर कोई हर्डल नहीं है, लेकिन अगर इसी जगह पे अगर रेत रहता तो आप उसी रफ्तार से डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते जैसे कि अभी आप करके आए। उसी तरह से अगर मीडियम डेंसर बना दिया जाएगा तो लाइट ज्योमेट्रिकली तो टी ही चलेगा, बट ऑप्टिकली ये टी से ज्यादा चलेगा, ठीक है, कितना टाइम्स, म्यू टाइम्स। तो अगर आप यहाँ पे बोले कि भाई इसका ऑप्टिकल पाथ कितना लेंथ का है, देन ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज म्यू टी। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे सीन है, सीन ये है, अगर मेरे पास ये मीडियम नहीं होता तो टी तो चलता, मीडियम है तो कितना चल रहा है, म्यू टी चल रहा है। तो मीडियम के आ जाने से पाथ में कितने का चेंज हो गया, मीडियम नहीं रहता तो भी टी तो चलता, मीडियम के आ जाने से म्यू टी चला, तो चेंज एक्चुअली म्यू टी माइनस टी का। जैसे अगर यहां कुछ नहीं है तो भी आप 20 मीटर तो चलेंगे ना। अब हम यहाँ पे अगर बालू डाल दिए, रेत डाल दिए, तो 20 मीटर की जगह 22 मीटर मान के चलेगा, क्योंकि इतना फास्ट नहीं ट्रेवल कर पाइएगा, 22 मीटर मान के चलेगा। तो बालू डाल देने से पाथ में लेंथ, पाथ का जो डिफरेंस है वो 22 मीटर नहीं हुआ, 2 मीटर। बात समझ गए? तो कोई भी मीडियम अगर आप लाइट के पाथ में डाल दीजिएगा ना, तो याद रखिएगा कि जो पाथ का डिफरेंस क्रिएट होता है, पाथ का डिफरेंस वो होता है म्यू टी माइनस टी। तो आप इसमें से t को कॉमन लेके म्यू माइनस वन लिख सकते हैं। और ये पाथ का डिफरेंस क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है ना, म्यू तो वन से छोटा नहीं होगा, तो पाथ का लेंथ बढ़ता है। जैसे 20 मीटर था तो ये 18 मीटर नहीं होगा, 20 मीटर से 22 मीटर होगा, ठीक है। तो ये पाथ का डिफरेंस क्या होता है, बढ़ता, इंक्रीज मान, इंक्रीज लिखो, समझने में। तो देखो मान लो जैसे ये रूम में अभी हवा है, एयर, लाइट उधर से इंटर किया, 20 मीटर ट्रेवल करके निकल गया। अगर इस रूम में पानी भर दे और फिर लाइट को दरवाजे से इंटर कराए, दूसरे साइड से निकाल दे, तो पानी भरने से पाथ के लेंथ में कितने का डिफरेंस है, 4 by 3 - 1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, 4 by 3 - 1, तो 20, 4 by 3 - 1 is 1 by 3, तो 20 into 1 by 3, that is 6.66 meter is the path difference which is produced in the path of light due to addition of water, which is produced in the path of light due to addition of water। समझ में आ रहा है? अगला खेल यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे। देखो आगे हम लोग अभी सीखे कि अगर किसी लाइट के पाथ में हम लोग कोई स्लैब ऐड कर देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसमें एक एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, वर्ड है एडिशनल पाथ डिफरेंस, दैट इज म्यू ब्रैकेट म्यू माइनस वन इंटू टी, या पाथ लेंथ हो जाएगा म्यू। अब जरा देखना इसमें कितना नंबर सर, देखना हमारे जनरल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हम लोगों के पास दो स्लिट है S1 और S2, तो जो हमारे स्क्रीन का सेंटर है वहां दोनों इक्वल पाथ ट्रेवल करके पहुंच रहा है, और यहां बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। फिर से बोलना चाहेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा वहां बनता है जहां पाथ का डिफरेंस जीरो हो, पर अभी सिचुएशन है उसी के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। देख अगर ए के जगह बी कुछ ऐसा हो, S1 और S2 में S1 के आगे एक स्लैब लग जाए जिसका थिकनेस T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सोच के बताइए क्या अभी भी इस सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, क्या अभी भी इस सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा,
से बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही, स्टार्ट बहुत अच्छा है, खत्म करो बढ़िया से। तो डेल्टा एक्स बढ़ जाएगा जीरो से। वही बोलेंगे, सोचना सही है, लेकिन हम बोल रहे कि वहां क्या बनेगा ये कैसे पता करोगे। तो देखो एकदम सही बोले कि सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बोलेगा, दिस इज गुड, ठीक है, जरूरी नहीं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अब आपको ये पता होना चाहिए। देखिए वर्ड अब सुनिएगा, थोड़ा हम बोल रहे हैं थोड़ा अच्छे जगह पर मिल जाए। पाथ का डिफरेंस कहीं भी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना अच्छे क्वेश्चंस में, तो तीन कारण से करते हैं। अभी तक आप केवल एक कारण जानते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। ये बड़ा दिख रहा है सर, ये छोटा दिख रहा है, तो इसमें से इसको माइनस, ठीक है। अब आप ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस के साथ ऑप्टिकल भी सोचिए। देखिए इस पॉइंट पे दोनों के पाथ में ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं, बट ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो ये ज्यादा है, ठीक है। ये म्यू टी है, ये टी ही है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, म्यू टी माइनस टी, म्यू टी माइनस टी, सही है। तो ज्योमेट्रिकली देयर इज नो पाथ डिफरेंस, बट ऑप्टिकली देयर इज सम पाथ डिफरेंस व्हिच इज टी टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1, करेक्ट। अब ये डेल एक्स आ गया, तो डेल एक्स से हम लोग सीखे ना, हम लोग फाई निकालेंगे, और फिर फाई हम लोगों को बताएगा कि बन क्या रहा है, कोई मैक्सिमा बन रहा है कि कोई मिनिमा बन रहा है, और अदर फिंच, अदर फिंच मतलब दोनों के बीच में कहीं, ठीक है। जैसे आज एक मिनट कर रहे थे लैम्डा बाई थ्री आ गया तो क्या बन रहा है, सही है। तो वैसा कुछ भी बन सकता है, अगर ये फेस का डिफरेंस एन लैम्डा की तरह आ गया तो सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा लेकिन मैक्सिमा बनेगा। एक लैम्डा आ गया तो फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, दो लैम्डा आ गया तो सेकंड मैक्सिमम बनेगा, फाइव लैम्डा आ गया फिफ्थ मैक्सिमम बनेगा, और अगर वो लैम्डा बाई टू का कॉन्सेप्ट लेके चला, लैम्डा बाई टू आ गया तो फर्स्ट मिनिमम, सही है। कोई दिक्कत हो रहा, समझ में आ रहा सब कुछ, हाँ। तो ये पता चल गया कि यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा तो नहीं बनेगा, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा कैन नॉट बी हियर, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं। अच्छा बहुत अच्छा लिख दिया, कैन नॉट बी हियर, तो कहाँ, अगर यहाँ नहीं तो फिर कहाँ सेंट्रल मैक्सिमा, कहाँ सर, ऊपर बनेगा, ऊपर बनेगा, कौन बोला, पुष्कर, वेरी गुड पुष्कर, बताओ कैसे बनेगा, एकदम सही बोला। ऊपर वाले से नीचे पाथ ज्यादा लंबा है तो मैनेज करने के लिए ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा देख, सेंट्रल मैक्सिमा तो वही बनेगा जहां पाथ डिफरेंस जीरो हो, सही है। अब तुम लोग सोचो कि यहां नहीं बनेगा, तो यहां नहीं बनेगा तो या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। मान लीजिए थोड़ा गलत वाला पहले स्टेप ले लेते हैं, नीचे ले, अगर आप नीचे कोई पॉइंट मानते हैं तो ये ज्योमेट्रिकली छोटा है, ये ज्योमेट्रिकली बड़ा है, और ऑप्टिकली भी ऊपर वाला बड़ा है, तो जो बड़ा का और बड़ा हो गया तो कभी भी वो डिफरेंस जीरो होगा, नहीं होगा। जब आप इसके ऊपर जाइएगा तो नीचे वाला ज्योमेट्रिकली बड़ा है और ऊपर वाला इसे पार करके आएगा तो ऑप्टिकली बड़ा होगा, तो दोनों का बढ़ने वाला जो बात है वो कैंसिल हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या हम कह सकते हैं कि वहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो आ सकता है। हमेशा ध्यान रखिए जिधर स्लैब लगता है सेंट्रल मैक्सिमा उधर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट इन विल शिफ्ट टुवर्ड्स सेम साइड ऑफ स्लैब एडी, जिधर आप स्लैब का एडिशन कर रहे हैं उधर ही है ना हमारा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर जाता है। जरा देख लिया जाए एक बार फिगर से, यहाँ है हम लोगों का S1, ये हम लोगों का S2, मान लो हम लोगों का सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ आ गया, आपके पास ये रहा स्लैब, तो एक रे यहाँ से जा रहा है, एक रे यहाँ से जा रहा है, टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, एक नीचे से जा रहा है। ज्योमेट्रिकली तुमको S2 वाला बड़ा दिख रहा है बट ऑप्टिकली S1 वाला बड़ा, तो दोनों अगर एक दूसरे को काउंटर कर देता है और वहां पे डेल एक्स का वैल्यू हो जाता है जीरो, तो जैसे ही डेल एक्स हम लोगों का जीरो होगा सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मेशन होगा। तो सर ये कितना दूर बनता है सेंट्रल मैक्सिमा,
इसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सर ये कितना दूर बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, इसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आप पूरा डेरिवेशन करेंगे इसका, जो कि जरूरत का नहीं है, तो ये शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज बीटा बाय लैम्डा म्यू माइनस 1 इनटू टी, ये इतना आएगा बीटा बाय लैम्डा म्यू माइनस 1 इनटू टी, कितने से शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। बीटा बाय लैम्डा में बीटा पहले से जानते हैं आप, अगर बीटा का वैल्यू लिख दिए दैट इज लैम्डा डी बाय डी, नीचे लैम्डा म्यू माइनस 1 इनटू टी, दोनों लैम्डा कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा डी बाय डी टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 इनटू टी। तो जो फॉर्मूला आपको सुटेबल लगता है याद रखिए, वहां से काम हो जाएगा, ठीक है। अब आ गए मिसकॉन्सेप्ट, मिसकॉन्सेप्ट ये हो गया कि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट करेगा कि पूरा फ्रिंज शिफ्ट करेगा, पूरा फ्रिंज शिफ्ट करेगा। जैसे मान लो यहां देखो, ये आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, ये ब्लैक ब्लैक यहां दिख रहा है तुम लोगों को, तो दिख ही रहा होगा, ठीक है स्पॉट। अब मान लो जैसे ये यहां लगा हो, सपोज आप इमेजिन कीजिएगा ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे है। आप अगर स्लैब नहीं लगाए हैं, स्लैब अभी नहीं लगा हुआ है, तो ये 25 सेंटीमीटर सेंटर मैक्सिमा, जैसे ही तुम स्लैब लगाओगे ये पूरा ऊपर चल जाएगा, तो खाली अकेले सेंटर मैक्सिमा ऊपर नहीं जा रहा, पूरा फ्रिंज ही चल जाता। तो बहुत बार के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि भाई शुरू में स्लैब नहीं था, ठीक है, उसके बाद एक स्लैब को इंट्रोड्यूस किए, तो बताओ कि हमारा कितना फ्रिंजेस इस सेंट्रल लाइन को पास किया, क्रॉस किया, कितना फ्रिंजेस होगा ना, 1 2 3 4 5 कुछ कुछ तो क्रॉस करेगा ना, बट ये कैसे निकलेगा, ये सब सोच के भी काम किया जा सकता है, ठीक है, ये सब सोच के काम किया जा सकता है। अगर हम आपसे ये पूछ दें कि स्लैब के एडिशन के साथ हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल क्रॉस द सेंट्रल लाइन ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के सेंट्रल लाइन को कितना फ्रिंजेस क्रॉस करेगा, तो कैसे निकलेगा, मान लो एक डाटा देते हैं, सपोज ये शिफ्टिंग आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, स्लैब के लगने से शिफ्ट आ गया 10 सेंटीमीटर, फॉर्मूला पे पुट कर दिया आगे 10, और हम बीटा निकाल के रखे हैं कि एक फ्रिंज का विड्थ है केवल 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगा तो 10 को फ्रिंज पास करेगा ना उसको, नहीं सर, समझ गए। अगर हमारे एक फ्रिंज का विड्थ है 1 सेंटीमीटर और सेंट्रल मैक्सिमा 10 सेंटीमीटर शिफ्ट करता है, इसका मतलब सेंट्रल लाइन से 10 को फ्रिंज पास किया होगा, तो क्या आप लोग ऐसे सीख सकते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसिंग द सेंट्रल लाइन ऑफ स्क्रीन that will be equals to y shift by beta, जितना भी y shift आया उसमें beta से divide कर दो, ठीक है, और सुनो थोड़ा सुनते जाओ, जितना जितना क्वेश्चन आया सब मैं दिमाग में रहता हूँ, आपको सामने रहते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। अभी अगर तुमसे ये कोई बोले कि find the thickness of any glass slab, find the minimum thickness of any glass slab so that once it is placed in front of S1, again maxima will form. मतलब स्क्रीन के सेंटर में मैक्सिमा बनना चाहिए, कैसे सोचो, हमको बहुत कम ज्यादा इसमें समझ, ठीक है, आप एक डाटा मेरे कहने का मतलब ये होता है
कि आपको ये बताना पड़ेगा कि यहां फिर से मैक्सिमा बनने के लिए आपके मन में डाटा क्या है, समझा? जैसे मेरे मन में डाटा है कि अगर ये शिफ्ट है ना, इतना हो जाए कि नीचे वाला मैक्सिमा शिफ्ट करके ऊपर आ जाए। आप जब कोई फ्रिंज बनाते हैं, तो क्या ऊपर फर्स्ट मैक्सिमा लिखे हैं? करेक्ट है, नीचे भी तो फर्स्ट मैक्सिमा लिखे हैं ना। क्या आपको नहीं पता है कि यहां से इसका डिस्टेंस कितना है? लैम्डा डिवाइडिंग बहुत होगा, ऊपर शिफ्ट करेगा नीचे, उससे न्यूमेरिकल ही बनेगा यार, न्यूमेरिकल बनेगा इस तरह से सोचने से। अगर मेरा सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्टिंग एग्जैक्टली लैम्डा डिवाइडिंग हो जाए तो नीचे वाला मैक्सिमा यहां पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बोले कि भाई बताओ कि कम से कम कितना शिफ्ट हो कि मिनिमा बन जाए, तो यहां वाला मिनिमा को पहुंचा दो, कितना? लैम्डा डिवाइड 2t। आपको हम शुरू में क्वेश्चन क्या बोले, आप लोग ध्यान दीजिए, मेरा गलती पे ध्यान दीजिए क्योंकि उसमें आंसर है। हम आपको शुरू में क्वेश्चन बोले थे फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, फिर हम थोड़ा रुके, फिर हम बोले फाइंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। क्यों? क्योंकि कोई तो हो सकता है पहला मैक्सिमा को भेज देगा, कोई दूसरा को भेज देगा, कोई चौथा को भेज देगा, कोई पांचवा को भेज देगा। तो खाली पूछने से कि थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब बता दो आंसर नहीं है, मिनिमम बताओ। तो मिनिमम में सबको इसी को याद भेजना पड़ेगा, नहीं समझे? समझ में आ रहा? तो डाटा पे काम करो। सर इतना शिफ्ट करेगा तो आंसर आ जाएगा, वो इतना कितना है आंसर उससे आएगा। हम लोग सबको पता चल गया कि हाँ सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट करेगा, फिर से मैक्सिमा बनाना है तो कोई मैक्सिमा ही वही आएगा, लेकिन कितना लीजिएगा उसे डाटा इसे पसंद है, ठीक है? तो ऐसे चीज चलते हैं। अभी तुमसे कोई बोल दे कि भाई हमको वहां मिनिमा बनाना है, हमको सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे मिनिमा बनाना है, तो कम से कम स्लैब का थिकनेस बताओ, तो हमको पता है कि वाई शिफ्ट होगा लैम्डा डिवाइड 2, आपको पता है तो आंसर है। आप जस्ट वाई शिफ्ट में यहां लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दीजिएगा लैम्डा डिवाइड 2d, आराम से सॉल्व कीजिए, म्यू पता है, ग्लास बोल दिए, टी निकाल दीजिए आंसर। समझ में आ रहा? तो ऐसे चीजें सोचनी। अच्छा चलो एक लेवल और आ सी के बाद डी। अगर दोनों तरफ स्लैब लगा दी तो सोच के हर बना दी, दोनों तरफ अगर एक एक स्लैब लगा दिए इसके सामने, तो आप बोलो क्या होगा? दोनों तरफ अगर एक एक स्लैब लगा दिए, थिकनेस सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, तो क्या होगा? बोलो कुछ बोलना चाहते बोलो बोलो। हाँ बोलो। जिसका काम होगा सेंट्रल मैक्सिमा और हाइजल से उसी की तरफ जिसका कम थिकनेस तो सेम कर दिए, ज्यादा नहीं, थिकनेस सेम कर दिए, थिकनेस सेम कर दिए। जब थिकनेस आप सेम कर दिए तो आप म्यू को देख के आंसर दे दीजिए, म्यू सेम कर देंगे थिकनेस को देख के आंसर दे दीजिए, बात समझ गए? जिसका म्यू बड़ा होगा सेंट्रल मैक्सिमा उधर ही शिफ्ट करेगा, लेकिन अब होगा क्या कि खींचतान होगा, मतलब ये मान लो अकेले रहता, अगर म्यू वन अकेले रहता, ध्यान से डाटा पे काम, म्यू वन अकेले रहता तो कितना शिफ्ट होता? बीटा बाई लैम्डा म्यू वन माइनस वन इंटू टी। अगर म्यू टू अकेले रहता तो कितना शिफ्ट होता? नीचे होता, कितना होता? बीटा बाई लैम्डा म्यू टू माइनस वन इंटू टी। अब दोनों है तो ये खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो नेट इफेक्ट दोनों के खींचने का माइनस, जिसका ज्यादा हो वो जीते, ठीक है? तो क्या हम इस केस में ऐसा मान लेते हैं क्षण भर के लिए, लेट वाई शिफ्ट वन का बड़ा है वाई शिफ्ट टू से, तो हम लोग इस बार लिखेंगे नेट शिफ्ट इज इक्वल्स टू वाई शिफ्ट वन माइनस वाई शिफ्ट टू। ओके, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा इट कम्स टू बी बीटा बाई लैम्डा म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू टी, बीटा बाई लैम्डा म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू टी। अब सर म्यू वन अगर छोटा रहेगा तो माइनस आ जाएगा, तो समझ जाना ऊपर नहीं जा रहा किधर जाएगा, नीचे से, ठीक है? चलो नोट करो यार, फिर आगे आप
ये था सेटिंग से रिलेटेड डिस्कशन कि अगर हम लोग कोई स्लैब लगा देते हैं किसी भी स्लिट के सामने तो क्या होगा। लेकिन हम इससे पहले आपसे एक बात बोल रहे थे कि देखो फेस में जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसका तीन थोड़ा गलत नहीं बोल दिया पाथ में जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो तीन लॉजिक से। दो लॉजिक अभी तक आपके सामने रख दिया गया, एक ज्योमेट्रिकली हो सकता है कोई बड़ा कोई छोटा दिखे तो वहां एक पार्ट डिफरेंस है। ऑप्टिकली आपको समझ में आ गया कि अगर कोई स्लैब लैब लग जाएगा तो भी पार्ट डिफरेंस है। और तीसरा होता है जब आप किसी हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन फील करते हैं। ठीक है, ये वेव मैकेनिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग थीम है कि अगर कोई वेव किसी भी हार्ड सरफेस से डेंसर मीडियम हमें बोलते हैं डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्ट होता है रिफ्लेक्ट होता है तो उसके पाथ में एडिशनल लैम्डा बाय 2 आता है। पाथ में एडिशनल लैम्डा बाय 2 आना मतलब फेज में एक्स्ट्रा पाई आना। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई वेव किसी भी डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो, जैसे कोई मिरर से वेव रिफ्लेक्ट होके जा रहा है या कोई हवा में था वेव गिरा और उसके बाद फिर वाटर के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया तो वाटर इज डेंसर। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ रिफ्लेक्टेड पोर्शन के अंदर एडिशनल पाथ लैम्डा बाय 2 आ जाता है। ठीक है, या फेज बोलो तो प्लस पाई हो जाता है, प्लस एडिशनल बोला जा रहा है। तो ये एक ऐसा टर्म है जिस पे भी बहुत सारा काम है। तो जरा देखा जाए उसको भी, एक टर्म नहीं देखो, फेज एंड पाथ डिफरेंस due to reflection from denser surface या बोलो तो मिरर, अगर हम लोग लाइट के केस में बात करें तो denser medium के surface से अगर reflection हो और लाइट में अगर मिरर से reflection हो तो additional कितना हो जाएगा lambda by 2। देखना यार ध्यान से समझना। मान लो जैसे ये एक मिरर है, बहुत ध्यान से देखिए, ये एक मिरर है और ये एक स्क्रीन। एक सोर्स है S1, आपको जैसे पता है अगर हम सारा डाटा लिखें तो ये S1 का एक इमेज होगा ना, यहाँ S2 आपको याद है, ये कोहेरेंट सोर्सेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखो जरा मिरर का अपना एक डायमेंशन है, सपोज ये डायमेंशन A है और मिरर से लेके स्क्रीन तक के बीच का डिस्टेंस मान लो B है। तो इजी पहले चलते, बाद में हम एक्स्ट्रा भी जाएंगे, पहले इजी। सपोज आपका स्क्रीन यहां से मिरर से टच करता हो, अभी जरा सोच के बताना सबको, सबको बताना सोच के। अभी हमको डाटा पे नहीं खेलते हैं, पहले आपको जनरल चीज बता रहे थे। हाँ, यहाँ S1 है, यहाँ उसका इमेज है। जरा सोच के बताओ एग्जैक्ट यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है, आपको तो ये पता है ना कि S1 है S2 का कोहेरेंट, एकदम शुरुआती दिन में पढ़ा था। इसको आप कहते हैं लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट, लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जब कोहेरेंट सोर्सेस बनाने का बोर्ड चल रहा था तो लॉयड भी आया बीच में, बोले देखिए मेरा मिरर भी है ना, कोहेरेंट सोर्स बना सकता है, तो ये लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट के नाम से आया। कोई सोच के बताएगा यहाँ क्या बन रहा है? मैक्सिमा नहीं है वहां, मिनिमा। अब ये कैसे हो गया सर? देखिए ज्योमेट्रिकली S1 से इस P तक का लेंथ और S2 से P तक का लेंथ बराबर है ना, लेकिन S2 से जो वेव जा रहा है वो एक्चुअली S2 से जा ही नहीं रहा, वो तो S1 का वो लाइट है जो मिरर से टकरा के जा रहा है। S2 से कोई लाइट नहीं जा रहा, आपको पता चल रहा है ये बात? S2 से कोई लाइट नहीं जा रहा। आप मान लीजिए कहीं भी लीजिए, चलिए इस पॉइंट को आप पकड़ लीजिए, सपोज ये क्यू है, S1 से एक लाइट गया और एक लाइट क्या हुआ ना कि यहां से पहले यहां गिरा और रिफ्लेक्ट होके गया, पहले S1 से मिरर पे गिरा
और मिरर से भी रिफ्लेक्ट होके गया, तो हम लोग ये वाला पार्ट छिपा दे रहे हैं, बोल रहे हैं H2 से। समझ पा रहे हो? स्क्रीन के यहां से ऊपर हर एक पॉइंट पे दो दो वेव पहुंच रहा है, एक S1 से डायरेक्ट पहुंच जा रहा है और एक S1 से पहले मिरर पे गिर रहा है, रिफ्लेक्ट होके पहुंच रहा है। तो जो मिरर पे गिर के टकरा के रिफ्लेक्ट होके पहुंच रहा है, हम लोग जनरल भाषा में बोल रहे हैं H2 से आ रहा है, जबकि H2 से कुछ नहीं जा रहा है, एक्चुअली H2 हैवी नहीं है। आपको पता चल रहा है बात जो आप बोल रहे हैं? H2 यहां हैवी नहीं, ठीक है। तो आप जो ज्योमेट्रिकली पाथ का डिफरेंस देख रहे हैं उसमें आपको बोलना होगा प्लस लैम्डा बाई। सर प्लस क्यों बोलती है सर? अरे इसका जो वेव जा रहा है उसमें एडिशनल रिफ्लेक्शन का है, और जब भी रिफ्लेक्ट होगा हमेशा ध्यान रखना, अभी हम तुमको बोल चुके हैं एडिशनल पाथ लैम्डा बाई टू मिलता है। समझ रहा? देखिए चीजों को ऐसे समझिएगा, यहाँ पे बहुत सारा चीज सीखने के। H2 is mirror image of S1. So any wave which reaches the screen after reflection from mirror, after reflection from mirror, have additional path lambda value, additional path lambda value, ठीक है, additional path lambda value। अब देखो, at point P, जो हम लोग del x लेंगे total, वो del x में हम तीन कारक लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं geometrical path length, एक लिख रहे हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ, और एक लिख रहे हैं फेज के कारण। इस केस में पी पॉइंट पे S1P और S2P ज्योमेट्रिकली दे आर सेम, ठीक है, ज्योमेट्रिकली दे आर सेम, तो ये वाला जीरो। ऑप्टिकली देयर इज नो स्लैब, कहीं भी है ना यहाँ पे व्यू नहीं, ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ में कितना है? जीरो है, लेकिन रिफ्लेक्शन वाला लैम्डा बाई 2 तो है, तो वो लैम्डा बाई 2 आ गया। मतलब आपका जो डेल एक्स है वो लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 है तो मिनिमा ना बनेगा, क्या बोलते हो? समझा? तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां जनरल इंटरफेरेंस में मैक्सिमा बनता था, इसमें मिनिमा बनेगा, ठीक है, और जहां जहां जनरल इंटरफेरेंस में मिनिमा बनता था हर जगह यहां मैक्सिमा बनेगा। तो लाइट मिरर एक्सपेरिमेंट का एक खास बात यह है कि जनरल इंटरफेरेंस में जहां जहां आप मैक्सिमा बनाते थे इसमें मिनिमा बनेगा एंड रिवर्स, ठीक है, बाकी किसी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सुनिएगा अभी बहुत सारा लाइट। इन जनरल पोजिशन ऑफ मैक्सिमा जब तुम लिखोगे तो मिनिमा वाला फॉर्मूला लिखो 2n+1 लैम्डा डिवाइड 2d, और पोजिशन ऑफ मिनिमा लिखो तो वो जो मैक्सिमा वाला फॉर्मूला पढ़ रखे हो वो यूज करो लैम्डा डिवाइड डी, ठीक है। अच्छा इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या एक ऐसा चेंज हुआ कि पूरा कहानी बदल दिया? मिरर से टकरा के जो वेव पहुंच रहा है उसमें एडिशनल पाथ लैम्डा बाई 2 है, और लैम्डा बाई 2 का मतलब होता है अपोजिट फेज, लैम्डा बाई 2 पाथ का मतलब होता है पाई, पाई का मतलब होता है अपोजिट फेज। जिसको पहले दोनों सेम फेज में मिलता, मिरर से टकराने की वजह से लैम्डा बाई 2 आया और वही लैम्डा बाई 2 बच गया, तो जहां पहले मैक्सिमा बनता था हमारे जनरल केस में, क्या था मैक्सिमा बनता था, वहां क्या बन गया? मिनिमा। तो पूरा कहानी उलट जाए, जहां जहां जनरल इंटरफेरेंस में मैक्सिमा बनता था उसमें हर जगह यहां पे मिनिमा बनेगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अच्छा कभी कभी होता है कि सर हम लोगों को है ना फेज डिफरेंस ये सब बता दीजिए, मतलब स्क्रीन प्रिंट फ्रिंज विड्थ, तो आप अगर फ्रिंज विड्थ लिखते हैं तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला में देखो हम क्या छोड़े, फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूला में लैम्डा डैश बाय डैश होता है, पता तो वहां खाली जगह में ऊपर वाला खाली जगह क्या है? कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब क्या? स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, तो फिगर में जो दिखेगा वो लिखे,
और नीचे वाला जो बॉक्स है उसमें क्या होता है, स्लिट्स के बीच का गैप या दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना, जो दिखेगा लिखे। मतलब मान लो अगर हम इस फिगर में, सपोज हम इस फिगर में आपके सामने, ये तो हम अपना डाटा सेट करें, मान लीजिए यहां से यहां तक बी है, ये वाला सी है, ठीक है, तो बताओ तो वहां बीटा में तुम क्या लिखोगे, लैम्डा इनटू स्मॉल बी बाय सी के टू सी लिखा, टू सी हम लोगों को दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो सी सी कितना लिखेंगे, टू सी, अब जैसा रहेगा वैसा फिर, ठीक है, नोट कीजिए आप। इसमें कुछ स्टेट पे लिखो, ठीक है, तेरे स्टेट पे लिख लेना इसको अलग। When any beam is reflected, when any beam is reflected from surface of denser medium, then reflected beam have additional phase pi, reflected beam have additional phase pi or additional phase pi or additional path lambda by 2 or additional path lambda by 2. ठीक है, but there is no change in path or phase, but there is no change in path or phase for refracted wave. ये लाइन याद रखना, जब आपको थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ाएंगे ना सारा चीज इसी पे चलेगा, ठीक है, फिल्म इंटरफेरेंस आउट ऑफ सिलेबस इसी पे चलते। अब देखिए जैसे आपके एक्सीवी का एक क्वेश्चन हम रखते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा हमेशा, ये एक मिरर यहाँ पे दो स्लिट्स है, ये S1 है, ये S2 है, पीछे स्क्रीन यहां से यहां तक का डिस्टेंस है a और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है b और मान लीजिए ये डिस्टेंस है c, पीछे में एक बल्ब रखा हुआ है s, यहां एक कार्डबोर्ड है, इसका लाइट इधर है, ये कार्डबोर्ड है, इसका लाइट इधर है, अब यहां से लाइट जा रहा है, फिर जो होगा मिरर पे आप समझ लो, हम जनरल आप समझ रहे हो ना, मिरर पे कुछ होगा और फिर इस पे बन रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है, स्क्रीन पे बन रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन आपको उसका बीटा बताना है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो स्क्रीन पे बन रहा है उसका आपको बीटा बताना है, क्या ये कार्डबोर्ड क्यों लगा है कि इसका लाइट इस पे नहीं है, इन दोनों से लाइट निकलेगा, मिरर से टकराएगा तो पीछे जाएगा ना, इंटरफेरेंस उसकी वजह से होगा, ठीक है, S1 से लाइट टकराएगा पीछे जाएगा, चलो जनरल दिखाते हैं, S1 से लाइट जाएगा एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंचेगा, S2 से लाइट जाएगा एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंचेगा, सुप्रीम पोजीशन होगा, इंटरफेरेंस होगा, आपको बताना है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न आप यहां ऑब्टेन करेंगे उसका फ्रिंज विड्थ कितना है, ऊपर फार्मूला नीचे आंसर, आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं देगा, दिमाग तो रखना होगा, आंसर है लैम्डा a प्लस b बाय 2c,
a plus b by 2c, a a b, आपका स्क्रीन एक्चुअली यहां से a plus b डिस्टेंस नहीं समझ रहा है, a a b, तो आप यहां पे लिख रहे हैं lambda a plus b और नीचे हो गया 2c, क्या समझ गए? अच्छा सोच के बताओ क्या स्क्रीन पे जो मैक्सिमा या मिनिमा का इंटरफेरेंस पोजीशन मिलेगा क्या वो इस रिलेशन को फॉलो करेगा? सामने मेरे लगाओ देखो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम तुमसे पूछ दें कि भाई यहाँ पे जो मैक्सिमा बन रहा है उसका जनरल फॉर्मूला बताओ कहाँ कहाँ बनेगा, या मिनिमा जो बन रहा है उसका जनरल फॉर्मूला बताओ कहाँ कहाँ बनेगा, तो क्या बोलोगे आंसर? मैक्सिमा कहाँ बनेगा, मिनिमा कहाँ बनेगा, क्या बताओगे आंसर? इस केस में तो बताया ना कि देखो जहां जनरल मैक्सिमा बनता था वहां मिनिमा बन जाए, और जहां जनरल मिनिमा बनता था वहां मैक्सिमा बन जाए, उसमें क्या बोलोगे? दो ही आंसर इंटरफेरेंस में चलता है, एक जो जनरल पढ़े हैं वही होगा और एक उसका उल्टा होगा, जैसे ये उसका उल्टा है जनरल वाले को उल्टा है, तुम इसमें क्या हो? जो जनरल है वही होगा, कारण रिफ्लेक्शन दोनों में है, एक में नहीं है कि कहानी उलट जाएगा, नहीं समझ रहा? यहां पे एक में रिफ्लेक्शन था इसलिए कहानी उलट गया था, अगर दोनों में ही लैम्डा बाई टू आ जाए तो भी तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे को, तो इसमें रिफ्लेक्शन दोनों में है, दोनों में होने की वजह से जो एडिशनल बात आप कर रहे हैं लैम्डा बाई टू वाला वो दोनों में होने से कैंसिल आउट है, तो जनरल मैक्सिमा जहां बनता था यहां भी वही मैक्सिमा बनेगा, मतलब एन लैम्डा डी बाई डी, करेक्ट, और मिनिमा बनेगा जहां जनरल मिनिमा बनता था 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई टू डी, समझ आ रहा है? ऐसे ध्यान लगा के देखिए, चलिए उसको कंप्लीट कीजिए।